नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सीखे सब कुछ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, जैसे कि LMV NT, यहाँ पर LMV का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल और NT का मतलब होता है नॉन ट्रांसपोर्ट, यानी यदि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को LMV NT से LMV TR में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ग्राफिक डिजाइनिंग, जॉब्स के बारे में और टेक्निकल वीडियोज भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो इन सब की जानकारी के लिए भी आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। फ्रेंड्स, कौन सी गाड़ी के लिए कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना सही रहेगा और ये कितनी कैटेगरी के होते हैं और इन सब की फ़ीस क्या होगी, तो इन सब के बारे में भी मैं आपको अगले वीडियोज में बताता रहूंगा, तो इसलिए प्लीज़ इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को कन्वर्ट करने के लिए, इसको अप्लाई करने के बारे में। अब फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और इसके सर्च बार में यहाँ पर हम टाइप कर देंगे www.delhi.gov.in। इसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे और इसके बाद इस क्रॉस वाले निशान पर क्लिक करके हम इसे हटा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद हम इसे स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लिखा दिखाई देगा क्लिक हेयर टू दिल्ली डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास करंट में अवेलेबल हो, क्योंकि मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा, उसी OTP को यहाँ पर आपको डालना होगा। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ और उसके बाद हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे मोबाइल नंबर पर OTP का मैसेज आ चुका है, तो उस OTP को हम यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद हम इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट में जाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लिखा दिखाई देगा ट्रांसपोर्ट, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम सर्विस ग्रुप में आएंगे, उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि आप लर्निंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपका पहले से कोई ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है और उसे आप किसी और कैटेगरी में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है एड न्यू क्लास ऑफ व्हीकल टू ए ड्राइविंग लाइसेंस, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर सर्विस नेम पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है एडिशन ऑफ न्यू क्लास ऑफ व्हीकल टू ए ड्राइविंग लाइसेंस, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आ गया है 1 डे आफ्टर जनरेशन ऑफ ARN नंबर, यानी ARN नंबर जनरेट होने के बाद केवल 1 दिन लगता है आपके ड्राइविंग लाइसेंस को बदलने में। अब हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, केवल हमें अपने डॉक्यूमेंट के नंबर को यहाँ पर हमें डालना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। दोस्तों, जो ड्राइविंग लाइसेंस मैं आपको बनवाने या बदलवाने के लिए बता रहा हूँ, यानी LMV TR लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट, इसी लाइसेंस को हम कमर्शियल लाइसेंस भी कह देते हैं, तो इसके लिए आप कन्फ्यूज ना हो कि कमर्शियल लाइसेंस कौन सा होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने लिखा है ओरिजिनल लर्निंग लाइसेंस, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। फ्रेंड्स, जो जो प्रूफ इसने हमसे यहाँ पर मांगे हैं, इनकी फोटोकॉपी आपको उस पर्सन को दिखानी होगी जो अथॉरिटी से आपके डॉक्यूमेंट को लेने के लिए आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल दिया है और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड नंबर है एज प्रूफ का, तो हमें एज प्रूफ के लिए हमें यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट नंबर देना होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर आधार कार्ड और यदि आप मार्कशीट लगाना चाहते हैं तो उसका SR नंबर, वरना आप यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर लगा रहा हूँ और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गया है रेजिडेंस प्रूफ, तो इसके लिए आप यहाँ पर बिजली बिल या फिर आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर पैन कार्ड, तो इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर लगा रहा हूँ और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला ऑप्शन आ गया है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी हम जो हमने ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाला है उसे भी हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ से हम इसे इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए Ctrl C से कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर हम इसे Ctrl V से पेस्ट कर देंगे, तो दोनों में हम सेम नंबर रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला ऑप्शन आ गया है Form 1A मेडिकल सर्टिफिकेट इफ एज इज 40 ईयर्स और अबाउ, यानी यदि आपकी उम्र 40 वर्ष या इससे अधिक है तो आपको Form 1A भरना होगा और यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से कम है तो आप यहाँ पर 4x0 आप यहाँ पर टाइप कर दें। तो मैं यहाँ पर 4x0 डाल रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर लीव ए कमेंट का ऑप्शन आ गया है,
यदि आप यहाँ पर कोई कमेंट देना चाहें तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई वॉन्ट टू चेंज माई LMV। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल, और इसकी दो कैटेगरी होती हैं, एक NT और दूसरी TR की। तो मेरा जो लाइसेंस बना हुआ है वो NT वाला है, यानी नॉन ट्रांसपोर्ट का। तो हम यहाँ पर NT लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे DRIVING LICENSE INTO INTO। तो हमें यहाँ पर इसे कन्वर्ट किस में करना है उसका हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। जैसे मैं इसे कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ LMVTR में, तो हम उसका नाम लिख देंगे LMVTR। तो ये पूरा हो जाएगा, आई वॉन्ट टू चेंज माई LMVNT ड्राइविंग लाइसेंस इंटू LMVTR ड्राइविंग लाइसेंस, यानी LMVNT से हम इसे LMVTR में से कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर TR का मतलब हुआ ट्रांसपोर्ट। दोस्तों इसी लाइसेंस को हम कमर्शियल भी बोल देते हैं। तो इनकी कैटेगरी अलग अलग होती है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद हम इसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमें आइडेंटिटी के लिए कोई प्रूफ देना है, तो हम यहाँ पर कौन कौन से प्रूफ दे सकते हैं उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर लिखा है पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई कोई आईडी जिसमें आपका फोटो हो, या फिर राशन कार्ड विद फोटो। तो इनमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं पैन कार्ड पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद हम अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें फुल नेम लिखना है, यहाँ पर आपको पूरा वैसा ही नाम लिखना है जो आपके पैन कार्ड में लिखा हो। और यहाँ एड्रेस लाइन 1 में आपको अपना हाउस नंबर टाइप कर देना है, और यहाँ पर एड्रेस लाइन 2 में यहाँ पर आपको अपने गली या फिर अपने मोहल्ले का नाम टाइप कर देना है, और यहाँ एड्रेस लाइन 3 में यहाँ पर आपको अपने एरिया का नाम टाइप कर देना है जिस एरिया में आप रहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है, और यहाँ पर आपको अपनी सिटी का नेम टाइप कर देना है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमारा पहला मोबाइल नंबर आ चुका है, यहाँ पर आपको एक ऑल्टरनेटिव नंबर डाल देना है। फ्रेंड्स ये इसलिए ज़रूरी होता है यदि आपका किसी स्थिति में फ़ोन बंद हो जाए, तो जो अथॉरिटी से जो पर्सन आपके डॉक्यूमेंट लेने वाला है वो आपको 1 घंटे पहले कॉल करता है। इस स्थिति में यदि आपका नंबर ना लगे तो वो आपके दूसरे नंबर पर कॉल कर सकता है। यदि आपका इनमें से कोई भी नंबर नहीं लगता है तो पर्सन आपके घर पर नहीं आएगा, तो इसलिए आप यहाँ पर उसी नंबर को डालें जो करंट में आपके पास चालू रहे। और उसके बाद यदि आपके पास ईमेल आईडी हो तो आप उसे यहाँ पर डाल देंगे, वरना आप पेमेंट मोड में जाकर यहाँ से आप अपने पेमेंट मोड को चूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, कैश, डेबिट या फिर नेट बैंकिंग। मैं चाहता हूँ जब पर्सन मेरे पास पहुंच जाए तो मैं तभी उसे कैश दूँ, और आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी यहाँ से कैश ऑप्शन को ही चूज करें। तो उस पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड जैसे हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया, यहाँ पर स्लॉट आ गए हैं। आप जिस दिन घर पर रहेंगे उस दिन का ही आपको स्लॉट चूज करना है, क्योंकि जो पर्सन अथॉरिटी से आएगा वो आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखेगा, उनकी फोटोकॉपी लेगा, हो सकता है वो आपसे पासपोर्ट साइज फोटो भी मांग ले और आपके सिग्नेचर भी करवा ले। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर मॉर्निंग में कोई भी स्लॉट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसे स्क्रॉल करके नीचे कर देता हूँ। और देखिए फ्रेंड यहाँ पर आफ्टरनून में यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर इसने टाइम दिया हुआ है 1:50 से 2:40 तक। तो इस तरीके से आप कोई स्लॉट चूज कर सकते हैं। तो मुझे ये चूज करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, और इसे कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर इसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे ही मैंने कंफर्म पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारी सारी डिटेल आ चुकी है। इसे हम स्क्रॉल करके इस तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर सबसे लास्ट में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी फीस आ चुकी है। इसकी जो गवर्नमेंट फीस है वो है 950 रुपये, और जो सर्विस चार्ज है वो 42 रुपये 37 पैसे, और जो एप्लीकेबल टैक्स है इसका वो है 7 रुपये 63 पैसे। यानी जो अथॉरिटी से जो पर्सन आपके डॉक्यूमेंट को लेने आता है उसका जो डिलीवरी चार्ज होता है वो होता है 50 रुपये। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट बनता है वो बनता है 1000 रुपये। तो टोटल 1000 रुपये में आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब यदि आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं, तो इस पर क्लिक करते ही देखिए फ्रेंड्स आपके सामने इस तरीके का एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा। यही सेम नंबर आपके मोबाइल नंबर पर भी आ चुका होगा। और अपने ड्राइविंग लाइसेंस के स्टेटस को जानने के लिए आप यहाँ पर ट्रैकिंग लिंक पर क्लिक करके उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को दूसरी कैटेगरी में चेंज करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि कौन से ड्राइविंग लाइसेंस से आप किस गाड़ी को चला सकते हैं और उनकी क्या क्या फीस होती है। तो फ्रेंड्स अधिक जानकारी पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।